क्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बट पहले हम प्लांट्स को नहीं देखेंगे पहले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का दो बेसिक स्टेप्स होता है लेटस अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन

तो ये गैमिट्स हैं, बिकॉज मियोसिस से बने हैं तो उनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा सिंपल है बात तो ये पहला स्टेप है गैमिट फॉर्मेशन जहां पे मेल एंड फीमेल गैमिट बनता है बाय मियोसिस ठीक है तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बच्चों फर्टिलाइजेशन इज वेरी सिंपल मेल एंड फीमेल गैमेट ज्वाइंट हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा यूनाइट हो जाएगा एंड मुझे क्या मिलेगा समथिंग कॉल्ड जाइगोट। बच्चों जाइगोट जो है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी, एंड हुआ, तो जाइगोट कैसा है डिप्लॉइड तो इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम है टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम समझ रही है बात अब क्या होता है ना ये जाइगोट धीरे-धीरे धीरे-धीरे ग्रो होगा डेवलप होगा एंड इट विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज एम्ब्रियो एम्ब्रियो बन जाता है देखो एम्ब्रियो कहां बनता है कैसे बनता है ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा अभी सिर्फ इतना याद रखो zygote develops to form embryo एंड एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल मतलब बेबी तो बेबी कहां से आएगा फ्रॉम द एम्ब्रियो तो so, है दो बेसिक स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन बच्चों ये दिमाग में फिट कर लो तो हुई आगे का प्रोसेस आपको समझ में आने वाला है कैन वी गो अहेड या तो वे शुरू करते हैं इन प्लांट्स बच्चों प्लांट्स के पास ऐसा कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिससे ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है कौन है फ्लावर फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होने वाला है तो चलो एक फ्लावर को स्टडी करते हैं एक टिपिकल फ्लावर लिया मेरे को बताओ फ्लावर के नीचे आपको एक डंडी दिख रहा है स्टॉक इसको मैं बोलूंगा पेडिसल क्या बोलेंगे पेडिसल इट इज नथिंग बट अ स्टॉक फॉर सपोर्ट सिंपल पेडिसल क्या करता है सपोर्ट देता है स्टॉक है दैट्स इट दूसरी बात अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर फ्लोरल वर्ल्स वर्ल्स मतलब क्या पार्ट्स एक टिपिकल फ्लावर का फोर पार्ट्स होता है सबसे पहला पार्ट आपको नीचे ग्रीन कलर का दो लीव्स दिख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस पार्ट को ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है इसको बोलेंगे कैलिक्स सिंपल है सबसे नीचे कैलिक्स कैलिक्स के ऊपर आपको पेटल्स दिख रहे हैं कलरफुल दैट पार्ट सारे पेटल्स जो हैं उस पार्ट को बोलेंगे कोरोला सिंपल है कैलिक्स कोरोला अभी आपने एक बात सुना होगा फ्लावर में मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट भी होता है सो so, फ्लावर में मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम आपको येलो कलर का टॉक दिख रहा है उसके ऊपर कैप्सूल है दिख रहा है वो क्या है एंड्रोशियम एंड इट इज द मेल ऑर्गन ऑफ द वैसे ही फीमेल पार्ट क्या है गायनोशियम सेंटर में पूरा ऐसा मटके के जैसा दिख रहा है ग्रीन कलर का है. वो क्या है so, what are the four basics part? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बच्चों एक बात बताना सबसे बाहर कैलिक्स है उसके अंदर कोरोला है उसके अंदर एंड्रोशियम है और एकदम बीच में गाइनोशियम है सो कैन वी सेल्स आउटसाइड टू इन साइड सिंपल बाहर स्टार्ट विथ कैलेक्स बच्चों एक बात बताता हूं आपको दो लीफलाइ स्ट्रक्चर -like दिख रहा है ना कैलिक्स में इंडिविजुअल लीफलाइ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं तो यहां पे कितने सेपल दिख रहे हैं दो सेपल है बच्चों, सेपल्स क्या है इंडिविजुअल दो दिख रहे हैं पांच भी हो सकते हैं छह भी हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट ये लोग क्या करते हैं सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन जब ये फ्लावर कच्ची कली है कच्ची कली तो उसको बाहर से प्रोटेक्शन कौन देगा स्टेपल्स लेगा आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का दूसरी बात दे आर ग्रीन इन कलर मतलब इनमें क्लोरोफिल है तो कैन आई से दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटो और नो सिंपल है दो पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटो फिर बात करते हैं भाई कोरोला की अच्छा बच्चों कोरोला किस चीज से बना हुआ है पेटल्स से सारे पेटल्स मिलकर क्या बनाएंगे कोरोला अब ये पेटल्स कैसे हैं पेटल्स आर कलरफुल दे आर लार्ज इन साइज ठीक है दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बाहर से अंदर कौन है एंड्रोसियम और गाइनोशियम तो ये कोरोला उन दोनों को बाहर से प्रोटेक्ट करेगा इस और नो एंड तीसरी बात ये जो पेटल्स हैं दे आर फ्रेग्रेंट उनमें से सुगंध भी आता है तो कैन आई से दे विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स आल्सो आपने देखा है हनी बीज होती हैं बटरफ्लाइज होते हैं मॉस्किटोज होते हैं ये सारे इंसेक्ट ऐसे फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं, और ये इंसेक्ट फ्लावर को हेल्प करते हैं कैसे हेल्प करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा रुको सबर रखो यहां तक ठीक है ठीक है अभी ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है दे आर कॉल्ड द आउटर एक्सेसरी वर्स बच्चों कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते नहीं है रिप्रोडक्शन में इनका हाथ पैर कुछ भी नहीं है काम क्या है दे विल प्रोटेक्ट द इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर कुछ नहीं एंड्रोशियम और ग्वाइनेशियम को प्रोटेक्ट करने का काम है इनका दे आर द एक्सेसरी वर्ल्स समझ रही है बात अब मेन पॉइंट पे आए चलिए अब ये जो फ्लावर है इसको मैं बोलूंगा बाई सेक्शुअल फ्लावर क्यों बिकॉज इसके अंदर एंड्रोशियम है एंड्रोशियम क्या है इट इज द मेल वर्ल्ड इसके अंदर गाइनोशियम भी है वॉट इज गाइनोशियम इट इज द फीमेल वर्ल्ड मेल भी है फीमेल भी है कैन आई से बोथ द सेक्सेज आर प्रेजेंट सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बाई सेक्शुअल फ्लावर जिसमें दोनों है मेल भी है फीमेल भी है बट कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम होता है एंड कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गाइनोशियम होता है जिनमें सिर्फ गाइनोशियम होता है तो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स सिर्फ एंड्रोशियम और सिर्फ गाइनोशियम ये वाला कैसा है बाई सेक्शुअल तो चलो भाई एंड्रोशियम को पकड़ के देखते हैं उसमें क्या है अच्छा बच्चों कैलिक्स वॉज अप ऑफ सेपल्स रोला वॉज मेडअप ऑफ पेटल्स तो वैसे ही एंड्रोशियम का भी इंडिविजुअल मेंबर्स होगा वो कौन है बच्चों पे आपको चार दिख रहे हैं सारे सारेम एक साथ क्या बनाते हैं एंड्रोशियम यहां तक समझ रहे हैं चलो स्टेमन को अलग करके सेपरेट करके देखते हैं उसमें क्या है आपको सबसे नीचे डंडी दिख रही है स्टॉक उसको हम बोलते हैं फिलाल और फिलामेंट के ऊपर जो कैप्सूल दिख रहा है उसको बोलेंगे एंथर फिलामेंट एंथर फिलामेंट एंथर और ये एंथर के अंदर बनते हैं टाइनी 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 पार्टिकल्स दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स सिंपल है व्हाट इज अ स्टेमन फिलामेंट और एंथर एंथर के अंदर बनता है पार्टिकल पार्टिकल का नाम क्या है पोलन ग्रेन और ये पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेगा मेल गैमिट बच्चों याद रखना मेल गैमिट है कितना है एक पोलन ग्रेन में ध्यान से सुनना एक पोलन ग्रेन में होते हैं टू मेल गैमिट्स वन पोलन ग्रेन कंटेन्स टू मेल गैमिट्स याद तक बात समझी ठीक है चलो गाइनोशियम को पकड़ते हैं बच्चों एंड्रोशियम का इंडिविजुअल मेंबर है तो वैसे ही गाइनोशियम का भी इंडिविजुअल मेंबर होगा इट कॉल्ड कार्पेल अभी यहां पे कितना कार्पेल दिख रहा है एक कार्पेल दिख रहा है एक कार्पेल है, एक कार्पेल है। बट कार्पेल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यहां पे दे आर सेपरेट दोनों कार्पेल अलग है बट दे कैन बी यूनाइटेड ऑल्सो तो बोलने का मतलब क्या है कार्पेल या तो एक हो सकता है या तो एक से ज्यादा हो सकता है कार्पेल सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं तो चलो कार्पेल को थोड़ा साइड में लेके देखते हैं इसमें क्या है सबसे ऊपर का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा ये जो स्टिग्मा होता है इट इज एकदम चिकट होता है स्टिकी. स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब दिख रही है उसको बोलते हैं स्टाइल और ये स्टाइल होती है, अंदर से है ठीक है और सबसे नीचे जो मटका दिख रहा है ओवरी इट इज एट देशल एंड ऑफ इच कार्पेल हर एक कार्पेल के नीचे मटके जैसा रहेगा सो so the three basic parts stigma style and ovary stigma style ovary दिमाग कैसा है टिकी है ये याद रखना है। यहां तक बात समझ में आई है अच्छा मुझे एक बात बताओ ओवरी के अंदर आपको छोटा-छोटा ओवल पार्टिकल्स दिख रहा है ये जो तो छोटे-छोटे टाइनी पार्ट्स हैं ना दे आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सिंपल है तो चलो ओव्यूल को उठा के देखते हैं उसमें क्या है तो ये एक ओव्यूल को मैंने अंदर घुस के देखा ओव्यूल के अंदर भी मुझे सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, बहुत सारे, सारे सेल्स हैं। अच्छा, आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके अंदर सेल्स हैं। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक सैक मतलब क्या बैग ओके एंड एम्ब्रियो सैक इज फोर्म्ड इन ईच ओव्यूल हर एक ओव्यूल के अंदर आपको वो बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड इट इज फॉर्म बाय मियोसिस मतलब ये अंदर जितने भी सेल्स बने हुए हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये बात समझ रही है एंड ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ अंदर क्या, क्या क्या है देखते हैं करके कर देखते हैं आपको मिडल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई एंड ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ठीक है फिर सबसे नीचे आपको पिंक कलर का एक सेल दिख रहा है उसको बोलेंगे एग सेल ये भी है बच्चों एग सेल क्या है इट इज द फीमेल गैमेट तो याद करो मेल गैमेट किधर है पोलन ग्रीन के अंदर कितने होते हैं दो एंड एग सेल किधर है ओव्यूल के अंदर है और कितना होता है एक होता है यहां तक बात समझ रही है अभी बच्चों आपको ऊपर तीन ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स एंटीपोडल्स एंड लास्ट में में एग के बाजू में दो सेल दिख रहा है ऑरेंज कलर का दे आर कॉल्ड एज तो आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक की दर है ओव्यूल के अंदर वॉट इज एम्ब्रियोसैक बैग लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कमॉन बीच में क्या है दो पोलर न्यूक्लियर सबसे नीचे क्या है एग सेल एक्सेल के बाजू में सिनर्जिड ऊपर का तीन सेल एंटीपोडल्स सो दीस आर द बेसिक सेल्स प्रेजेंट इनसाइड आवर ओव्यूल ठीक है चलो मेन पॉइंट पे आते हैं तो भाई बच्चों सीधा पॉइंट पे आते हैं चलो ये अपना फ्लार है एंड एंथर मालूम है ना एंड्रोशियम के ऊपर कैप्सूल होता है उस एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन दिख रहे हैं पार्टिकल बन गए अब एक बात सुनना जब पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं एंथर मेच्योर हो गया ऐसे टाइम पे दिस एंथर विल बस्ट फूटेगा तो उसके अंदर का पोलन ग्रेन उड़ेगा हवा में उड़ते 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 किस पे गिरेगा बीच में कौन है स्टिग्मा, ऐसा जरूरी नहीं है स्टिग्मा पे गिरे लेकिन थोड़े पार्टिकल्स स्टिग्मा पे गिर सकते हैं चलो ऐसे उड़ते उड़ते स्टिग्मा पे गिरे तो आई से

ये जो स्टिग्मा है इट प्रोड्यूसेस अ शुगरी सिरप एक शुगरी लिक्विड बनाता है दैट इज व्हाई वो टिक्की हो गया अब मुझे एक बात बताओ ये चिकट हो गया तो इसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाएगा सिंपल चलो तो इमेजिन करो स्टिग्मा है पोलन ग्रेन गिरा और चिपक गया अभी ये पोलन ग्रेन धीरे-धीरे इट विल स्टार्ट टू ग्रो इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट ध्यान से सुनना पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट वेन इट फॉल्स अपॉन सच अर्मिनेट मतलब क्या होगा से देखो. Pollen grain में से एक ट्यूब बाहर आ रही है और यह ट्यूब टाइल से पास होते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही है कैन यू सी दैट बच्चों इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब क्या बोलते हैं पोलन ट्यूब एंड याद करना पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट्स होते हैं दो तो ये दोनों मेल गैमिट दिख रहे हैं ये मेल गैमिट धीरे 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 ट्यूब में से पास होंगे और घसर गुंडी खाते हुए कहा जाएंगे, ओवरी में जाएंगे। क्या हुआ पे? पोलन, पोलन ट्यूब बना एंड मेल गैमिट बाहर आ गए सिंपल है आगे क्या होगा देखो तो ये पोलन ट्यूब धीरे 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 कहां पहुंची ओवरी में पहुंची ओवरी में क्या होते हैं ओव्यूल ओव्यूल के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो सैक तो ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक जाएगी ध्यान से सुनना द पोलन ट्यूब विल कैरी मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रियो सैक वाया द स्टाइल तो चलो भाई ये हमारे मेल गैमेट्स गजर गुंडी खाते हुए कहां पहुंच गए ओव्यूल के अंदर पहुंच गए नाउ द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब विल बस्ट पोलन ट्यूब का जो आगे का टिप है वो फूटेगा एंड द मेल गैमिट्स विल बी रिलीज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक देखो भाई हमारे मेल गैमिट्स ओव्यूल के अंदर चले गए एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों सिंपल है प्रोसेस तो अब आगे क्या होगा सुनना ये ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है बैग होती है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वो पिंक वाला सेल कौन सा है एग सेल है इट इज़ द फीमेल गैमिट बराबर है एंड मिडल में क्या है पोलर न्यूक्लियर कितने होते हैं दो होते हैं इतना याद है अभी सुनना नाउ वन मेल मेल जो पहला है इट विल यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट देखो मेल गैमिट आया 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 किसको जाके चिपका एग सेल फ्यूजन होगा तो क्या बनेगाट अरे भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ये है फर्टिलाइजेशन यहां पे हुआ लेकिन एक और मेल गैमिट है वो कहां जाएगा द सेकेंड मेल गैमिट विल यूनाइट टू पोलर न्यूक्लियाई देखो आया 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 किसको जाके चिपका पोलर न्यूक्लिया वापिस फ्यूजन होगा एंड एक नया सेल बनेगा जिसको बोलेंगे एंडोस्पर्म नाम है डरोमत एंडोस्पम इज जस्ट अ टाइप ऑफ सेल इसका काम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी सिर्फ इतना याद रखना ठीक है तो भाई फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ दो बार हुआ पहली बार क्या बना जाइगोड़ बना दूसरी बार क्या बना एंडोस्पम बना दो, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको क्या बोलूंगा मैं डबल फर्टिलाइजेशन यही है आंसर यही है प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन वेरी सिंपल आगे जाए अब सुनो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा ओव्यूल डेवलप्स इन टू सीड आपको जो पेटल्स दिख रहा है ये सब सूख जाएगा ड्राई हो जाएगा एंड इट ओव्यूल्स दिख रहे हैं अंदर वो ओव्यूल्स बड़े होने लगेंगे एंड धीरे धीरे क्या बन जाएंगे सीड बन जाएंगे बच्चों क्या बनेंगे सीड अच्छा इसके ऊपर जो आपको टाइल और स्टिग्मा दिख रहा है कैलिक्स वगैरह ये सब भी गिर जाएगा एंड ओवरी दिख रही है ऊपर जो सीड बने हैं उसके ऊपर जो ओवरी है वो भी बड़ी होगी सीड बड़ा हो रहा है तो ओवरी भी बड़ा होगा एंड दिस ओवरी विल इन टू फ्रूट देखो क्या हो रहा है धीरे 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 बड़ा हो रहा है एंड क्या बन गया, बन गया। तो सिंपल सी बात फ्रूट के अंदर क्या है सीड एंड ऊपर क्या है फ्रूट नहीं समझा ओव्यूल क्या बना सीड बना तो ओव्यूल जब सीड बन रहा था तो ओवरी भी बड़ा हुआ एंड ओवरी क्या बना फ्रूट बना फ्रूट के अंदर सीड है सिंपल चलो फ्रूट लिया खा लिया तो व्हेन द फ्रूट ब्रेक्स अप दैट सीड विल फॉल अपॉन द ग्राउंड एंड सीड जब ग्राउंड के अंदर जाएगा अगर उसको मैंने पानी दिया न्यूट्रिएंट दिया विल इट ग्रो द सीड विल जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड धीरे-धीरे नया प्लांट बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा यार बन गया लेकिन एक छोटी सी बात है याद करना ओव्यूल में जायगोट बना था जायगोट ये जाइगोट जब ग्रो होगा तो उसको एनर्जी लगेगा न्यूट्रिशन लगेगा लेसन ना द zygote will develop at the cost of food stored in endosperm of the seed तो अब मुझे बताना ये एंडोस्पर्म का काम क्या है जाइगोट जब डेवलप हो रहा है उसको फूड देना उसको नरिशमेंट देना एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग zygote एंड तब जाके बनेगा नया प्लांट भाई प्रोसेस समझ में आई है कि नहीं बच्चों प्लीज पोस्टेड इन द कमेंट्स मुझे फीडबैक नहीं आ रहा है तुम लोग का कमेंट्स में डालिए आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मुझे बताइए प्लीज ओके सो दिस इज द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है आई होप आपको मजा आया है आपको समझ में आया है एंड प्लीज एक लाइक like, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार तोड़ दो उस बटन को यार हिट द सब्सक्राइब बटन एंड एज यूजल हमने पूरा समरी एंड में डाला हुआ है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग